brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। सबको नमस्ते। आपके मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने पिछले 1.5 महीने से जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है। किसी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं कहा है, कह रहे हैं जांच चल रही है। अगर ये जांच 10 साल चलेगी तो क्या जेल में 10 साल रखेंगे? अभी तक कोई भी आदमी जब जेल जाता था वो तभी जाता था जब कोई अदालत उसे दोषी साबित करती थी। अभी ये लोग नया सिस्टम लाए हैं, कहते हैं जब तक जांच चलेगी, मुकदमा चलेगा, जेल में रखेंगे। ये सरासर इनकी गुंडागर्दी है, तानाशाही है ये इनकी, तानाशाही है। अरविंद जी, अरविंद जी पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, सच्चे देशभक्त हैं। हमारी शादी को 30 साल हो गए, 30 साल से मैं उनको देख रही हूं। जब हमारी शादी तय हुई तो उनका एक ही सवाल था, पूछने लगे कि मुझे तो समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? उनके मन में बस एक ही जुनून है कि आम आदमी की जिंदगी को कैसे बेहतर किया जाए। 2011 में आंदोलन हुआ, आप सब जानते हैं, 2011 में आंदोलन हुआ लोगों के हक के लिए। उन्होंने 2 बार लंबा लंबा अनशन किया, 13-14 दिन तक कुछ नहीं खाया। उनको शुगर की बीमारी है, इंसुलिन लेते हैं, डॉक्टर्स ने मना किया कि अनशन मत करो, नहीं माने, जान लगा दी अपनी दांव पर। अभी जेल गए। अभी जेल गए। जेल में उनकी इंसुलिन बंद कर दी, उनकी शुगर 300 से ऊपर चली गई। ऐसे तो उनकी किडनी लीवर सब खराब हो जाता। बड़ी मुश्किल से कोर्ट में जाके परमिशन ली कि इंसुलिन दी जाए। गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। आप सब ने, दिल्ली के सभी लोगों ने केजरीवाल जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है, 3 बार, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है। यही सब इन लोगों को खटकता है कि दिल्ली के लोग, सब लोग केजरीवाल जी को इतना प्यार क्यों करते हैं? केजरीवाल जी का क्या कसूर है? केजरीवाल जी का कसूर ये है कि उन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। पहले बहुत सारे पावर कट लगते थे,
अब 24 घंटे बिजली आती है, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, अब शिक्षा अच्छी मिलती है बच्चों को, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जहां सस्ता और अच्छा इलाज होता है, और अब हर महिला को हजार हजार रुपया हर महीना देंगे। इसीलिए 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 इन लोगों ने चुनाव के समय में आपके मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, जिससे उनकी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए। तानाशाही चरम सीमा पर है, लेकिन आपके केजरीवाल शेर है शेर, उन्हें कोई नहीं झुका सकता, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। भारत माँ के वो सच्चे लाल हैं। आज भारत माँ की ये बेटी आपसे विनती करती है, इस देश को बचा लो। इस देश को बचाना होगा, इस देश को बचा लो, क्योंकि ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तानाशाही आएगा तो। अब आप सबको अपने वोट की ताकत को समझना है। 25 मई को आप सभी वोट करने जाएंगे, कोई नाका नहीं, जाएंगे आप सब, सभी को वोट करने जाना है, सभी को जाना है। कितनी भी गर्मी हो आप सबको वोट करने जाना है। आपको हमारे सही राम जी को वोट देना है, इनको जिताना है, तानाशाही को हराना है, झाड़ू का बटन दबाना है। बटन दबेगा। हम सब मिलकर तानाशाही को हराएंगे, हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद।